वोट की गाली पर हॉकी का लाठी संग्राम, विवाद वर्चस्व और खातिरदारी मचा कचहरी में कोहराम, वकील बनाम पुलिस। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। वकीलों और पुलिस के बीच हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। 5 दिन बाद भी वकील धरने पर हैं और एसपी को निलंबित करने की मांग पर अड़े हैं। अब सवाल है कि कानून के दो पहरेदार एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं और उनकी लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है। आज बिग बुलेटिन में इससे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कानून के दो रखवाले सड़क पर आ गए। लड़ाई काले कोट और खाकी के बीच थी। शुरुआत गाली गलौज से हुई। आरोप है कि इसकी शुरुआत वकीलों ने की थी, जिसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच बवाल मच गया और पुलिस का लाठी संग्राम शुरू हो गया। अभिभाषक गणों का अलवर में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है और हम लोगों ने बातचीत का रास्ता पहले भी खुला रखा था, अभी भी खुला है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लोग इनसे बातचीत करके और एक भाईचारे का और आपसी सामंजस्य का माहौल बनाए। वकीलों का गाली गलौज करना, फिर पुलिस का लाठी उठाना और कानून के दो धड़ों का आपस में उलझ जाना। सवाल है कि वर्चस्व की ये लड़ाई है या रौब कायम करने का तरीका है। बहरोड के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की हमने मांग की और एसपी साहब से निवेदन किया कि आप जो है इस एसएचओ को ट्रांसफर कर दें, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मी से उनका ट्रांसफर नहीं किया, जबकि ट्रांसफर रोजाना होते रहते हैं। इस तरह ट्रांसफर करने में कोई बड़ी बात नहीं थी। एक को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो दूसरे को इंसाफ के लिए पैरवी करनी है, लेकिन अलवर की घटना ने कानून के दो पहरेदारों को ही आपस में लड़ा दिया। अब सवाल है कि ऐसी नौबत आई कैसे और आगे क्या रास्ता बनता है। अलवर से मुदित गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और स्थिति पिछले 5 दिनों से चली आ रही है। वकील झुकने को तैयार नहीं है, तो अब पुलिस के लिए एक सपोर्ट कह सकते हैं कि जनता उनके लिए सड़कों पर आ गई है। आखिरकार ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी और इससे नुकसान किसका हो रहा है। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ कविता श्रीवास्तव जी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और संजय व्यास पूर्व महासचिव हैं बार एसोसिएशन के, ये तीनों जुड़ रहे हैं। इनके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय व्यास जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि वकीलों ने इसकी शुरुआत की है। ये जो पूरी स्थिति आपको नजर आ रही है, आखिरकार दोष आपको किसका लगता है और कोई क्यों नहीं अपने स्टैंड से पीछे आने को तैयार है? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत ये कहा जाए कि वकीलों ने की है, गलत है। शुरुआत तो बेसिकली इसमें जो बहरोड के सीआई साहब थे वीरेंद्र पाल सिंह, उन्होंने की थी। कानून को गलत तरीके से अपने हाथ में लेके कानून का मिसयूज करते हुए, और वास्तविकता भी ये है कि अगर इस तरह से पुलिस अधिकारी करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका विरोध किया भी जाएगा। और एक धरना देकर हम जो उसका विरोध कर रहे हैं वकील, तो उसमें कहां गलत कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से। और वकील, अगर ये कहा जाए कि वकील उद्वेलित होते हैं, वकील कहीं उद्वेलित नहीं होते। 67 दिनों का आंदोलन अभी फिलहाल ही में राजस्थान में चला, जयपुर में चला था, एक भी पुलिस वाले से उलझने की कोई घटना नहीं हुई। सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते थे, सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े रहते थे, बहुत तनावपूर्ण माहौल रहा, लेकिन कहीं पुलिस वालों से कोई झड़प नहीं हुई। जब कोई पुलिस अधिकारी विकास कुमार की तरह जानबूझकर सिंघम बनने की कोशिश करेगा तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। पुलिस अधिकारी को अपनी मर्यादा को समझना चाहिए। ये कोई 2.5 घंटे की पिक्चर नहीं है कि आप सिंघम बनकर खड़े हो जाएं। ठीक है, पुलिस को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए, वकील को भी अपनी मर्यादा समझनी चाहिए, क्योंकि कल आप ही वकीलों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी क्योंकि वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिर राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई है? क्या आपको लगता है कि पुलिस इसमें दोषी है? क्योंकि इस मामले में देखिए पब्लिक एसपी साहब के सामने साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसा पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब क्या है कि दोनों जो पक्ष हैं, वकील और पुलिस, दोनों ही कानून के जानकार हैं, दोनों को ही कानून की सीमाओं का पूरा जानकारी है, दोनों का ही दायित्व है कि वो कानून की पालना कराएं। अब ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो मेजर पार्ट हैं, वो इन दिनों देश भर में कई जगह इस तरह की घटनाएं आ रही है जहां पुलिस और वकीलों के बीच में आपस में विवाद पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई
इतनी बड़ी बात होती नहीं है। अगर उसको कोई बैठ के और बातचीत करके अगर उसको सुलझाया जाए तो ना तो कोई वकीलों की कोई बहुत बड़ी मांग पुलिस वालों से है और ना पुलिस वालों की कोई वकीलों से कोई बहुत बड़ी अदावत है कि नहीं साहब हम कोई वकीलों के साथ में विवाद कर लेंगे तो हमारे को कोई भारत रत्न मिल जाएगा या पद्मश्री मिल जाएगी। तो इस मामले को मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए हैं दोनों ही पक्ष। मैं मानता हूं वकीलों में जो कुछ नए बच्चे आ रहे हैं वो अपने दायित्व को समझ नहीं पा रहे। हाँ, यहाँ पर वो ये स्ट्रिक्ट हो गए हैं, साफ आवाज समझ में आती है। कविता श्रीवास्तव जी, दोनों के पक्ष को आपने सुन लिया, आखिरकार नुकसान तो जनता को हो रहा है। ऐसी लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी हैं और पांच पांच दिन से अगर कोर्ट का काम नहीं चलेगा तो स्थिति और खराब होगी। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा भिन्न तरीके से इस मुद्दे को देखना होगा। आखिर लाठी चार्ज और पिटाई हुई है बहुत सारे वकीलों के ऊपर, वकील हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए और एक जयपुर रेफर हुआ। मुझे लगता है कि इस वक्त वकील कटघरे में नहीं है। इस वक्त एसपी विकास कुमार, जिन्होंने अपनी कोबरा टीम और QRT को लीड करके पिटवाया, और मुझे लगता है उसको किसी भी रूप से हम जायज नहीं ठहरा सकते। वकीलों का गुस्सा इस वक्त जायज है, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर मान लीजिए कुछ कहा और एसपी साहब को अच्छा नहीं लगा, जब उनकी गाड़ी निकली कोई नारा अच्छा नहीं लगा, वो एक डेलीगेशन को बुला सकते थे, वो FIR दर्ज कर सकते। आप पहली मर्तबा ही लाठी आपने शुरू कर ली, आपने क्या प्रशासन को बुलाया? प्रशासन ऑर्डर देता है लाठी का, लेकिन लाठी की नौबत ही नहीं थी भाई। अभी तो आपको बात करनी थी, चार दिन ही तो, 18 को तो बैठे थे, 20 को ये हो गया, तीसरा दिन ही तो था। मुझे लगता है इस वक्त एसपी विकास कुमार को जवाब देना है, और ये पहला हादसा नहीं है विकास कुमार का, ये क्रम से चल रहा है। हर दूसरे महीने हमारा जैसे मानव अधिकार संगठन को भागना पड़ा है कि कोई ना कोई क्राइम ठीक है। कविता जी, आप एसपी जनता पर हुआ है, आप एसपी मुझे लगता है कविता जी, कविता जी आप एसपी को कटघरे में खड़ी जवाब देगी, एसपी को आप कटघरे में खड़ी कर, आप एसपी को सवाल खड़ी कर रही है। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, राज्य सरकार बचा रही है उन्हें। अरे राज्य सरकार ठीक है सरकार बचा रही, अच्छी बात है। राज्य सरकार पब्लिक को तो सड़क पर नहीं उतार सकती ना, अब पब्लिक समर्थन में आ गए एसपी के, उसको आप क्या कहिए? वो एक सेक्शन है प्लीज, वो पूरी पब्लिक नहीं है। इस तरह की सेक्शन ठीक है, एक सेक्शन तो है जो एसपी के साथ खड़ा है, कर सकते हैं, एक सेक्शन तो है जो खड़ा है, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हर चीज प्लांटेड होता है, हर चीज प्लांटेड। चलिए ठीक है, अमिताभ जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा। अमिताभ जी, ये जो स्थिति नजर आ रही है इससे नुकसान किसका हो रहा है? देखिए ये तो आगे का सवाल है, नुकसान किसका हो रहा है। पहला सवाल ये है कि स्थिति क्यों बनती है, ये केवल राजस्थान की समस्या नहीं। आप अलवर तक कन्फाइंड रखना चाहते, मैं राजस्थान से भी बाहर जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी, कहां नहीं स्थिति। कल न परसों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया। वो तो एसपी नहीं है हाई कोर्ट, ना नेता है, ना चुनाव लड़ना, ना एनजीओ के खिलाफ, ना एनजीओ के पक्ष में, ना पुलिस के खिलाफ, ना पुलिस के पक्ष में, ना वकील के खिलाफ, ना वकील के पक्ष में, और फुल बेंच थी। उसने कहा कि दो चीजें समझ में आती हैं अदालत के, एक वकीलों की हड़ताल अवैध है, हड़ताल नहीं हो सकती, पहला स्ट्रक्चर यह पास किया। दूसरा उसने कहा कि जितनी भी बार एसोसिएशन है जिले से लेकर और हाईकोर्ट तक, उसने कहा जो भी लोग 7 साल से ज्यादा के आपराधिक मामलों में रहे, संलिप्त रहे हो, जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों को वकालत नहीं करने दी जाए, इसके लिए सुनिश्चित करें। तीसरा उसने डिस्ट्रिक्ट जजेस से कहा हाईकोर्ट ने कि जो लोग आपको ऐसा लगता है कि जिले में हर बात पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते हो, उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के रजिस्ट्रार को भेजिए। और दूसरा पक्ष फिर उसने सरकार पर लिया, उसने कहा कि होम सेक्रेटरी ये सुनिश्चित करे एक समयबद्ध तरीके से कि अदालतों में किसी तरह का असला नहीं जाए, किसी भी तरह का असला अदालत के कैंपस में नहीं जाए, बायोमेट्रिक एंट्री हो, यह नहीं कि वकील के वेश में कोई आदमी चला जाए और वकीलों को भी बदनाम करे, और वकीलों के और जो लोअर कोर्ट्स के जुडिशियल अधिकारी हैं उनके सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये आदर्श फैसला था,
हर जगह ये टकराव हो रहा है। शेखावत जी ने ठीक बात कही, आप न्याय की पटरी ही उतर जाए, पटरी से ट्रेन उतर जाएगी, वकील नहीं हो तो और पुलिस नहीं हो तो, इन दोनों के बिना कल्पना नहीं हो सकती, अदालतें बेकार हो जाएंगी, क्या करेंगे अदालतें, फिर टकराव क्यों है, इसकी जड़ में जाना होगा। मैंने एक सवाल पूछा था इलाहाबाद में जो घटना घटी, एक वकील को एक दरोगा ने गोली मार दी, उसके बाद कल हम लोग उस पर बहस कर रहे थे, तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मेरे साथ संजय व्यास, मैंने उनसे कहा कि ठीक है आपका आक्रोश जायज है, गांधी के देश में धरना प्रदर्शन की भी अनुमति है, लेकिन इलाहाबाद में बस ट्राली डंपर ट्रैक्टर कार क्यों फूंकी गई, ये तो जायज नहीं ना, किसी भी पढ़े लिखे समुदाय से यह अपेक्षा तो नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं वैसे ही हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो ओवरलोडेड है, गरीब आदमी का खेत बिक जाता है, हम आप तो टीवी पर बहस करके चले जाएंगे, उसका खेत बिक जाता है मुकदमा लड़ते लड़ते, पेंडेंसी इतनी ज्यादा है मामलों की, उसमें कोई एक वकील कोई एक दरोगा ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसका असर सोसाइटी एट लार्ज होता है, तो ये चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए ना। वकीलों को भी आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, देश में तमाम घटनाएं घटी हैं ऐसी, और पुलिस को तो हम लोग रोज ही टोकते हैं कि उसको आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की जरूरत है, रोज ही दिन में 3 दफे बोलते हैं, लेकिन है वकीलों को भी, वकील ये मानकर चलते हैं कि भाई मेरे लिए पुलिस और उसका कानून कोई अहमियत नहीं रखता, हम वकील हैं नहीं, यहीं से ईगो क्लैश शुरू होता है, यह लड़ाई सिर्फ अहम की होती है। मैंने देखा अपने जीवन में कचहरी के भीतर वकील ही सरकार हो जाते हैं, वही जज हो जाते हैं, वही मुद्दई हो जाते हैं, वही गवाह हो जाते हैं, कचहरी के अंदर किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को खींचकर मारने की घटनाएं हुई कि नहीं हुई। एक पूर्व सांसद है बनवारीलाल कंचल, उनके कपड़े फाड़ दिए, वो केवल अंडरवियर में भागे, केवल अंडरवियर में भागे, पूर्व सांसद है, ऐसी घटना तो पुलिस अधिकारियों ने बहुत करी है सर, ऐसी घटना तो पुलिस अधिकारियों ने ज्यादा करी है, नहीं सभ्यता कर रहा हूं, और इसके इसका संजय व्यासी, संजय व्यासी पूरी की तरह नहीं, यूपी की तरह हम गोली खाते रहे, चुपचाप बैठे रहे, नहीं नहीं, हमारे केसों में केस दर्ज होते जाए, ये नहीं कहना चाहते, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को अवैध क्यों घोषित किया, हम हड़ताल करते ही नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हड़ताल को, संजय व्यास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उससे बड़ी तो कोई इजलास नहीं भारत में, उसने अगर वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया है तो तर्क वितर्क सुन के किया होगा, और हम लोगों से ज्यादा समझदार लोग हैं ऐसा भी मैं मानता हूं, सर हम हड़ताल करते ही नहीं है, हम हड़ताल करते ही नहीं है, हाँ काम करना नहीं करना ये हमारी इच्छा के ऊपर है, हम तनख्वाह थोड़ी लेते हैं, नहीं ये तर्कवाद दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप जैसे लोगों ने तर्कवाद दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, तनख्वाह थोड़ी नहीं लेते हम काम कर रहे हैं, गलत कोई भी हो सकता है सर, किसी भी स्तर पे हो सकता है, कोई भी संगठन गलत हो सकता है, हम तो अपना विश्लेषण करते आए हैं, और आज तक की ये बता दीजिए कौन सी लड़ाई हमने अपने लिए लड़ी है, हमारे पक्षकारों के लिए लड़ी है, गरीबों के लिए लड़ी है, नहीं सब गरीब के लिए लड़ रहे हैं भाई, बिल्कुल नहीं, एनजीओ भी गरीब के लिए है, शासन भी गरीब के लिए है, वकील भी गरीब के लिए है, पत्रकारिता भी गरीब के लिए, सभी गरीब के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो सकता ना, पर अग्निहोत्री जी इसको थोड़ा आपको भिन्न रूप से देखना होगा, अलवर वाला मसला थोड़ा भिन्न रूप से देखे, यहाँ एक लाठी चार्ज हुआ है, एक सेक्शन वो एक्स वाई जेड हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो वो एक धरने पे पीसली बैठा है, और आपने उसने लाठी चार्ज बकायदा किया है, वो फोटोज तो देखिए, यहाँ तो सरासर हमला हुआ है पुलिस का, आप ये वकीलों का ये वाला मत जोड़िए, हम भी बहुत झगड़ते हैं वकीलों से, हम हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और यहाँ तक प्लीज नोट राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है चीफ जस्टिस का कि अगर पुलिस हैज टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट लॉयर्स इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट जज इफ इन अ डिस्ट्रिक्ट और इन्फॉर्म द हाई कोर्ट
चीफ जस्टिस, यहाँ पे वो केवल जाते हैं, शुरू हो जाते हैं पूरे जज आपकी बात आपकी बात आप इसको अट्रोसिटीज के रूप में देखिए। डोंट कंपेयर दिस टू इलाहाबाद और समथिंग और इवन जयपुर। जयपुर वाली हड़ताल में मेरे डिफरेंसेस। कविता जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। एक सेकंड एक मिनट क्या समझते हैं विकास कुमार जी अपने आप को? विकास कुमार जी जैसे अधिकारी जब प्रशासन शासन बदलते हैं तो हमारे सामने कटघरे में खड़े होते हैं सर, और उनकी पैरवी हम लोग ही करते हैं, उनके परिवार वाले संजय व्यास। एक मिनट वकील तो प्रधानमंत्री की, नरसिंह राव भी प्रधानमंत्री पद से हटे थे, मुकदमे फंसे थे, उसकी भी पैरवी वकीलों ने की थी। ये तो करते ही बिल्कुल करते हैं सर। राजा मरे या भिखारी, पंडित ही क्रियाकर्म कराएगा ना, ये तो उसका पेशा है। ठीक बात है, तो सर पंडित भी नहीं है, कोई अतिरिक्त भी नहीं। संजय व्यास बात सुनिए, हमें मारी जाती है लाठी, हमें मारी जाती है क्यों? क्योंकि आम जनता की आवाज उठाने की ताकत आज सिर्फ वकील में है। आज करप्शन के खिलाफ सिर्फ वकील बोलता है। अग्निहोत्री जी, संजय व्यास, संजय व्यास जी आपका उस पुलिस कर्मी आखिरकार उस पुलिस कर्मी को कल क्यों मारा गया जो वहां मोबाइल से वीडियो बना रहा था? आपने फुटेज देखे हैं सर? अगर किसी के आंदोलन में गलती होती है तो उस गलती को हम स्वीकार करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नहीं स्वीकार कर रहे ना, हमें गोलियां मारेंगे, लाठियों से मारेंगे हमारे बुजुर्ग वकीलों को, तो आप बताइए कब तक सहन करेंगे हम? कितने पत्रकार सहन कर सकते हैं, हमारे कितने पत्रकार भाई सहन कर सकते हैं इस चीज को, आप बताइए। कानून हाथ में लेने की इजाजत तो किसी को भी नहीं सर। कानून हाथ में लेने की इजाजत विकास कुमार को मिली हुई है, अभी तक विकास कुमार के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं विकास, क्या नाम है उसके कप्तान का? विकास, विकास, मैं विकास और उन्नति पर चर्चा करने नहीं आया। केवल वो तो दिन भर बुलेटिन में चर्चा होती रहती है, क्या कहा, किसने धरना दिया, किसने लाठी चलाई, किसने लाठी खाई, चली रहा। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करने आया हूं कि वकील और पुलिस का रिश्ता कैसे सुधरेगा। ये दरोगा की सिपाही की लड़ाई आप मान लो, और संजय व्यास लगातार नहीं बोलिए। नो, मेरे शो का एक फॉर्मेट है, जब आपको कॉल किया जाए तब बोलिए, लगातार नहीं। मैं उसकी चर्चा करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया कि दोनों चीजों का संतुलन समाज में चाहिए, क्योंकि जनता अंततः सफर करती है और दोनों कह रहे हम जनता के लिए बेचैन है। अजब हाल है भाई, सफर भी जनता कर रही और जनता के लिए सब लोग बेचैन है इस देश में। तो बड़ा भारी हिपोक्रेसी है इस देश में। आज जो इतना विशेष समय नहीं है, नहीं मैं बताता कि जनता गरीब आदमी के लिए कचहरी में कितनी लड़ाई हो रही है, उसका खेत मकान बिकवा दिया जाता है। उन बातों को यहां करने का अवसर नहीं है। अभी फोन कॉल खोल दू, राजस्थान भर से प्रतिक्रिया लू दर्शकों की, तो मुश्किल हो जाएगी पुलिस को भी और वकीलों को भी। वकीलों को हटा दीजिए, अब इस न्याय प्रशासन की कड़ी से वकीलों को हटा दीजिए, खुला खेल चलने दीजिए पुलिस का और प्रशासन का, कोई जरूरत नहीं है वकीलों की। फिर मुझे लग रहा है आप अपनी प्रतिक्रिया देने की बजाय यह बताना चाह रहे हैं कि वकील किस तरह के हैं। तो अगर आप लगता है वकील इतने बुरे हैं तो वकीलों को हटा दो। मैं एक तरफा बात भी नहीं कर सकता ना, मैं वकील। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर, आप बिल्कुल एक तरफा बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं बार एसोसिएशन का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, वो आप बोल रहे हो जो बोलना है आपको। मैं भी आम आदमी की तरह बोल रहा हूँ सर, बार एसोसिएशन देखना। राजेश शेखावत जी, कोई भी वर्ग हो, शासन में हो या सामान्य हो, वकील हो, अध्यापक हो, पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, कोई हो, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत तो किसी को नहीं हो सकती। उन लोगों को भी नहीं हो सकती जो जज की कुर्सी पर बैठ के फैसला देते हैं, उनको भी नहीं इजाजत है। शेखावत जी बिल्कुल सही है, कानून की पालना तो पुलिस को भी करनी पड़ेगी और वकीलों को भी करनी पड़ेगी, राजनेताओं को भी करनी पड़ेगी, न्यायाधीशों को भी करनी पड़ेगी और जनता को भी करनी पड़ेगी। तो कानून की पालना के लिए तो दोनों पक्ष हैं, और अगर दोनों पक्ष इस तरह से लड़ते रहेंगे तो इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो देश की गरीब जनता को होगा, जो न्याय प्राप्त करने के लिए अदालतों में सुबह 10 बजे पहुंचती है और शाम को 5-5, 6-6 बजे तक भूखी प्यासी बिना कोई व्यवस्थाओं के वहां पे न्याय के इंतजार में बैठी रहती है। उनके लिए सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति है। पुलिस को तनख्वाह मिल रही है, वकीलों को अपना जो भी उनको मेहनताना है वो मिल रहा है, पर न्याय में कितनी देरी हो रही है
ये सोचने की जरूरत है, पुलिस को भी जरूरत है और इनको वकीलों को भी जरूरत है। इसमें थोड़ा बड़ा दिल रखने की आवश्यकता समझता हूं मैं। अगर कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो छोटी मोटी घटना को बैठकर मिल बांट कर और उसको सुलझाना चाहिए। इसके लिए मैं एक सुझाव है मेरा कि हर जिला स्तर पे पुलिस वालों की और वकीलों की बार एसोसिएशन की कोई कमेटी होनी चाहिए। वहां पे अगर कोई किसी प्रकार के छोटे मोटे विवाद आते हैं उनकी वहां सुनवाई हो और सुनवाई होने के बाद उसका फैसला हो। और अगर पुलिस उसमें दोषी है तो सरकार उसमें कार्रवाई करे, वकील अगर दोषी है तो बार एसोसिएशन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पर इस तरह से जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें बेचारी जनता पिस रही है। जनता मतलब आप ये देखिए उसके पास में कोई चारा नहीं है, वो तो केस के पैसे दे दिए उसने तो वकीलों को और उन्होंने कह दिया भाई आज हड़ताल है तो हड़ताल है बस। उसके बाद वो गया और वापस आ गया अगली तारीख पे सी 3 महीने बाद। अब उसको 3 महीने बाद तक फिर इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि इसका राजस्थान लेवल पे जिला लेवल पे इस तरह की कमेटियों का गठन हो और जो इस तरह की समस्याएं आती है उनका समाधान हो, ये इसका एक तरीका हो सकता है। संजय जी, बार एसोसिएशन को यह सुझाव समझ आया कि एक प्रशासन और वकीलों का एक संयुक्त कार्यदल होना चाहिए जो इस तरह की समस्याएं आए कि भाई सिपाही ने गाली दी कि वकील ने गाली दी तो गाली वाले जो प्रकरण हो बोले इसने मुझे उंगली दिखाई, बोले इसने थप्पड़ दिखाया, इस टाइप के जो मसले आए राष्ट्रीय महत्व के वो कमेटी सुलझाए। ये कमेटी का तो सर आदेश हाईकोर्ट ने कर रखा है मान्य हाईकोर्ट ने, लेकिन वो हमारे पुलिस अधिकारी महोदय मानते नहीं है। प्रॉब्लम यही तो है, ये कमेटी तो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। उसका आदेश कहाँ मान्य हुआ, अभी तक पालन कहाँ किया गया? ठीक है, विकास कुमार जी तो खुद ही सिंगम बनना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है आप हाँ कविता जी बोलिए जी। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आपके इस बात से पूरा समर्थन है आपकी इस बात से कि जनता आखिर पिसती है जब ये इस तरीके के मुद्दे होंगे। मुझे लगता है अलवर का थोड़ा सा हमें हटाना होगा क्योंकि अगर लाठी चार्ज नहीं हुई होगी जी, और कविता जी मुझे माफ करिए मैं केवल अलवर पर नहीं आया बहस करने, ये अलवर का रिपोर्ट मैं लाठी इशू पे आ रही हूँ। कविता जी कमिंग ऑन द लार्जर इशू, अलवर का रिपोर्ट कर रहा है। अरे भाई आई एम कमिंग ऑन द लार्जर इशू, गिव मी अ मिनट, डोंट इंटरप्ट मी। मैं कह रही हूँ कि इसको अगर आप हटा देते हैं तब मुझे लगता है कि बिल्कुल, मैंने देखा है जब जयपुर में 7 दिन की हड़ताल हुई थी तो जितने भी क्लाइंट्स थे उनको बहुत परेशानी हुई है, जो लिटिगेंट थे जिसके कारण ये पूरा ढांचा है वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि एक अनिश्चितकालीन थी वहां। जरूर मुझे लगा कि देखिए मीडिएशन के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, मीडिएशन के लिए यू नीड अ पार्टी। हाँ तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में हमारी जो भूमिका है सरकारों को निभानी चाहिए एज मीडिएटर्स, वहां पर भी कुछ कमी आई है। जैसे ये वाला मसला एक महीने से, देखिए ये एक महीने से चल रहा था, ये कब का निपट सकता था? बहरोड में 18 फरवरी से 18 मार्च होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन व्हाट डिड द कलेक्टर बहरोडू, व्हाट डिड द एसपी बहरोडू? मुझे लगता है कि जब ये खिंचता है और मंशा कोर्ट की यही है जो राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर्स विच वी अंडरस्टैंड बेस्ट कि इस तरह की मीडिएशन और कमिटीज बने। मुझे लगता है आपके शो से हम यही कह सकते हैं, अभी भी अपील कर सकते हैं लॉयर्स को कि जब भी आप पेन डाउन वाला जो भी विड्रॉल करते हैं उससे लिटिगिन अफेक्टेड है, लेकिन पुलिस और प्रशासन नहीं इन्फ्लिक्ट कर सकते। संजय व्यास जी से मैं फाइनल कमेंट लूंगा इस पूरे मामले पर, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे ही। संजय व्यास जी, इस तरीके की चीजें पहले हमने देखी जयपुर में हुआ, फिर अब अलवर में हो रहा है, आगे ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन बार एसोसिएशन लेगा ताकि लोगों को सफर ना करना पड़े? बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। सर इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। और अगर संवेदनाएं समझी जाए आम जनता की, वकीलों की, चाहे पुलिस वालों की भी, तो और कोई मीडिएशन करे, सरकार के स्तर पे भी होता है, अच्छी बात है, हम स्वीकार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे न्यायालय के स्तर पे हो, बड़े न्यायिक अधिकारी बैठे, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो हो। सर वकील को तनख्वाह नहीं मिलती है, अपनी रोजी रोटी छोड़ के अगर वो धरने पे बैठते हैं तो बहुत तकलीफ में बैठते हैं, वो उनको मजा नहीं आता है। और हमारा कोई वर्चस्व की ऐसी लड़ाई नहीं है, हमें हमारे संवेदना हर वर्ग दिखाए तो ही बेहतर है, तो ही अच्छा भी होगा। वक्त हमारे पर खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी, देखिए संवेदना दिखानी चाहिए, बात सिद्धांतिक रूप में कहने में बड़ी सुंदर लगती है,
लेकिन जब हम सड़क पर उतरते हैं तो कॉलर की लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ। हमको भी 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, हमने भी वकीलों के झगड़े देखे, झंझट देखे, आंदोलन देखे, हड़तालें देखी, बस फूको अभियान देखा, कार फूको अभियान देखा, मोटरसाइकिल जलाओ अभियान देखा, संवेदनाओं को समझते समझते। और मैंने पुलिस की गोली चार्ज फायर भी देखी, लाठी चार्ज भी देखा, वाटर कैनन भी देखा, जवान मरे या बूढ़ा आंख बंद करके लाठी चलती भी देखी, मैंने दोनों रूप दोनों के देखे। तो मेरे सामने संत कोई नहीं बन सकता। मैंने वकीलों को सामान्य जन की कारों में आग लगाते भी देखा, ये तो न्याय की कोई प्रक्रिया में नहीं आता। मैंने पुलिस वालों को भी आंख बंद करके गोली चलाते देखा और लाठी चलाते देखा, आंसू गैस के गोले फेंकते देखा, ये भी देखा। तो आप दोनों लोग गौतम बुद्ध हो जाए यहां मंच पर, ये नहीं चलेगा। देश आपके चलते समस्या में फंसता है। मेरे गांव के ननकू से जाके पूछिए जिसने अपना एक बीघा का खेत गिरवी रखा तब मुकदमा लड़ने आया। आपकी और दरोगा की लड़ाई चल रही है। अजब स्थिति है इस देश में। पुलिस पर आनंद नारायण मुल्ला की कमेटी बनी थी, एन मुल्ला साहब की, उस पर बहुत प्रसिद्ध है उनका वक्तव्य था जो 20 साल से कोर्ट हो रहा है। मैं उस वक्तव्य को फिर दोहराता हूं। पता नहीं उन्होंने क्या महसूस किया होगा देशभर में, बहुत लड़नेट आदमी थे मुल्ला साहब। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधियों को गिरोह लगता है कई बार पुलिस, लेकिन एक ऐसा ही कोर्ट में वकीलों के लिए भी बताई देता हूं। वर्मा साहब जब रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने CGI रहते हुए देखा कि पैसे वालों के वकील न्याय को ऐसी अंधी गलियों में घुमा घुमा भटका देते हैं कि सामने वाले गरीब पक्षकार की हिम्मत टूट जाए। यह भी सच है, उतना ही सच है। ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये फिल्मी जुमला कहां से आया? और हर आदमी परमहंस है, कराना जी गरीबों के लिए लड़ रहे ना, ये गरीब तो ठिटका खड़ा है, वो तो आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद देख रहा है और पुलिस की लाठी देख रहा है। एक वकील का ही और एक दरोगा का अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि उसके चलते सिस्टम सफर करे इस देश में, इस पर नहीं ना एक रोक लगनी चाहिए। और नहीं निपटता है तो न्यायिक अधिकारियों को बीच में आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज को बीच में आना चाहिए। दरोगा की गिरफ्तारी का आदेश जारी करिए, गिरफ्तार हो जाएगा। न्याय का शासन है ना, व्यक्ति का शासन तो है नहीं हिंदुस्तान में। हाईकोर्ट अपनी बात नहीं मनवा पा रहा, बोले जी ऑर्डर कर दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। कंटेंट फाइल करिए, चीफ सेक्रेटरी को अगले दिन तलब करिए हाईकोर्ट में, कहिए सुबह 11 बजे चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो इन पर्सन, क्या दिक्कत है। बुलाइए प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट अदालत में खड़ा करिए, और आपकी बात नहीं माने तो उसको हिरासत में लेने का आदेश दे दीजिए। अदालत के पास है ना अधिकार, फिर काहे की लड़ाई सड़क पर, फिर सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों? संविधान ने आपको अधिकार दिया है ना, क्या दिक्कत है? आपकी बात नहीं मान रहा कलेक्टर तो उसको सुबह हाजिर करवाइए, कटघरे पकड़ा करिए 3 घंटे, मान लेगा आपकी बात, न्यायपूर्ण होगी। तो अगर न्याय की ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना आप लोग, जैसे सब लोग कहते हो कि भाई मैं तो न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, कसम खा ली है, ताबीज बांध लिया न्याय का, तो जब ताबीज ही बांध लिया है तो एक एप्लीकेशन लगा दो सुबह तड़के डीजी के यहां हाईकोर्ट में कहीं भी कि हुजूर आपने कहा था कमेटी बने, कमेटी नहीं बनी, कंटेम्प्ट है। आपको कहां दर दर भटक लीजिए, आप अमिताभ अग्निहोत्री नहीं ना कि गली गली भटकेंगे चिट्ठी लेके विधायक और सांसद के घर और मंत्रियों के यहां। आपके पास तो एक पर समानांतर शक्ति केंद्र है अदालत, वहां से रेमेडी तत्काल मिलेगी। अदालत से ऊपर है क्या कोई सिस्टम? नहीं। लेकिन सड़क पर लड़ाई नहीं होगी, सड़क पर लड़ाई स्वीकार नहीं हो सकती। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कि नारेबाजी नहीं चलेगी ना। और यह तर्क देना कि भाई साहब हम लोग तो तनख्वाह नहीं लेते, कोई चैरिटी नहीं कर रहा वकील, ये भी जान लीजिए कोई चैरिटी नहीं। डॉक्टर और वकील और ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग जब ये कहते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं तो मुझे बड़ा हंसी आती है। चैरिटी नहीं कर रहे, लोगों के खेत मकान पायल बिछिया बर्तन ऐसे भी के जा रहे हैं मुकदमे में।
और वकील चैरिटी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य नहीं है। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। जिन लोगों ने जनता के बीच में काम किया है वो इस सत्य से अवगत हैं। इसलिए मैं कहूंगा राजस्थान का शासन हस्तक्षेप करे, सख्ती के साथ दोनों पक्षों को बैठाकर इस मामले को सुलझाए, और नहीं तो अदालत को खुद आगे आना चाहिए और जो जिसका पक्ष न्याय का पक्ष हो उसके पक्ष में निर्णय सुनाए। लेकिन ये जिंदाबाद मुर्दाबाद और लाठीचार्ज और डंडाचार्ज ये बंद होना चाहिए। जनता का सर्वाधिक नुकसान होता है और जनता में भी जो गरीब जनता है उसका सर्वाधिक नुकसान है। समर्थ और संपन्न आदमी का नुकसान हमेशा सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है वो जो भूखा भी है और कचहरी में भी बैठा है, जिसके पेट में रोटी भी नहीं और फाइल लिए बैठा है कि कभी हड़ताल खुले और कब मेरा मुकदमा लिस्टेड हो। उस गरीब आदमी की ओर देखिए आप भी और पुलिस भी, शासन भी और न्यायिक अधिकारी भी, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो किसी जिले का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की चर्चा में अभी बस इतना ही। कविता श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय व्यास जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।